नगेच सुरेन्द्रेच कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, वीरम बढ़ेति अपनो, आदमी कामासक्त होता है, कामनाओं से ग्रस्त होता है, ऐसा आदमी वैर को बढ़ा लेता है। वैर का अर्थ किया गया है अभिमान पूर्वक है अमर सह वैरम, एक अहंकार युक्त आक्रोश अथवा दुख अपने आप में बैर है, अपने आप को दुखी बनाना, अपने आप से बैर करना है, कर्म का बंधन करना भी पाप कर्म बांधना अपने आप से मानो बैर करना है। तो बैर को बढ़ाना, जितनी तृष्णा लालसा कामना लोभ अधिक होता है आदमी उस वैर को भी बढ़ा लेता है। कामना की पूर्ति हो जाती है तो कई बार और आगे की कामना जाग जाती है, इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए। तो कामना की पूर्ति होती है तो आगे फिर कामना बढ़ सकती है, अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है, जो आशंसा लालसा मन में पाल रखी है उसकी पूर्ति नहीं होती है तो आदमी दुखी बन सकता है या मन में गुस्सा आके मुझे नहीं दिया मुझे नहीं दिया, यह गुस्सा आ सकता है। तो यह कामना अनेक रूपों में हो सकती है, अर्थ पैसे की कामना हो सकती है, पद की कामना हो सकती है, और भी कुछ पाने की कामना हो सकती है, सत्ता पाने की कामना हो सकती है कि मुझे सत्ता मिले प्रभुत्व मिले, तो पद हो पैसा हो, कई बार नाम ख्याति की कामना कि मेरा नाम होना चाहिए, ये अनेक रूपों में भौतिक कामनाएं हमारे मन में आदमी के मन में पल सकती हैं। और पद पैसा प्रतिष्ठा प्रशंसा ये मिल जाती हैं, एक बार आदमी को बड़ी खुशी कि मुझे ऐसा मिल गया, तो वो चीज़ वापिस चली जाती है तो फिर मन में दुख भी हो सकता है। जिसके मिलने से ज़्यादा खुशी होती है तो उसके जाने से मन में दुख भी हो सकता है। आयारों में कहा गया है, बेरम बढ़ेति अपनो, आदमी जो कामासक्त है कामार्त है अपना बैर बढ़ा लेता है, दुख बढ़ा लेता है। तो दुख का यह एक बड़ा कारण है कि कामनाओं का होना, कामना लालसा का होना। दुख को कम करने के लिए आदमी कामनाओं को कम करे, इच्छाएं कम रखे, कि बस अच्छा काम करें, उसके बदले में भौतिक प्रतिफल पाने का प्रयास आदमी न करे, और पुरुषार्थ करे फिर सफलता न मिले
तो भी ज्यादा दुखी नहीं बनना चाहिए कि पुरुषार्थ करने में तो मान ले मेरा अधिकार है, मेरा क्षेत्र है, पर पुरुषार्थ करने पर उसका फल मिल ही जाएगा, यह हर जगह मेरे वश की बात नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, अब फल नहीं मिला तो नहीं मिला, मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, प्रयत्न नहीं करता तो मान ले भी कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। जैसे कि मान लो परिवार में कोई अस्वस्थ हो गया, वृद्ध दादाजी हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, शरीर है, बीमारी हो गई। अब बीमारी हो गई तो पुत्र हैं, पौत्र हैं, वे हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, दवाई की सारी चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं, डॉक्टर कहे तो ऑपरेशन भी वे मान लो कराने को तैयार हैं। ये काम तो फिर भी मान लो परिवार के लोग, प्रियजन, मित्रजन करा दें, यह सारा कर लिया, हॉस्पिटलाइज करा दिया, दवाई दिला दी, डॉक्टर के कहे अनुसार ऑपरेशन भी करा दिया, यह सब कराने के बाद भी जो वृद्ध उम्र के दादाजी पिताजी थे उनको बचाया नहीं जा सका, डेथ हो गई। अब परिवार के तो हाथ की बात नहीं, वो तो इलाज आदि खूब करा दिया, अब नहीं बचा सके तो ठीक है, वो दुनिया का नियम है। तो आदमी पुरुषार्थ न करे तो मन में सोचे रे हमने प्रयत्न भी नहीं किया। तो प्रयत्न करना आदमी के क्षेत्र में आ सकता है, पर प्रयत्न का फल मिल ही जाए यह हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात नहीं है, और सब जगह हमारे वश की बात भी नहीं है। इसलिए आदमी का काम बस पुरुषार्थ, उसमें कमी नहीं रहे, यह ध्यान देने की बात आदमी की सीमा की हो सकती है। अब हमारे साधु साधियाँ के हम मुमुक्षु तैयार करेंगे, प्रयास करेंगे, पांच पर सात पर ध्यान दिया, पुरुषार्थ किया, खूब बातचीत की, सिखाने का प्रयास किया, तो बैरागी एक भी नहीं बना, कोई मुमुक्षु बनने को तैयार नहीं हुआ। तो ठीक है भाई, तुमने प्रयास कर लिया, अब मुमुक्षु बन ही जाएगा, यह तो तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है। पुरुषार्थ करना, समझाना, बताना, धर्म का उपदेश देना, आत्मा के कर्मों के संबंधों की बातें बताना, मोक्ष की बात बताना, वो सब तुमने बता दिया, पूरा प्रयास कर लिया, अब भी कोई मुमुक्षु पूरे चतुर्मास में भी मान लो तैयार नहीं हुआ, तो ये भी हमारे कोई हाथ की बात नहीं है। पुरुषार्थ अपना कर लेना चाहिए जो करनीय है। किसी को समझा ही देंगे, अनुकूल बना ही लेंगे, ये भी हाथ की बात नहीं है। अब भगवान महावीर जैसे महापुरुष थे, अब जमाली जैसा व्यक्ति जो दामाद भी था संसार पक्ष में, अब अरहंतो पिप्राज्य शक्ति स्पृशह किम धर्मोद्योगम कार्येयु प्रसय्य, कि अरहत हैं, उपदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, किंतु धर्म में उसको जोड़ ही देंगे यह कहना कठिन है। तो जमाली जैसा दामाद क्या उसको एकदम अनुकूल बना सके? तो इसलिए तीर्थंकरों की आसातना न हो, तीर्थंकर भी उपदेश दे सकते हैं, पथ दर्शन दे सकते हैं, पर अभव्य को भव्य बनाना उनके क्षेत्र की बात नहीं है। अगर भव्य जीव भी सारे कोई एकदम साधु बन जाएंगे, यह भी बस की बात संभवतः नहीं होती। इसलिए
आदमी यह सोचे भाई कामना भी अनपेक्षित अवांछनीय नहीं करें, जो कामना करें मान लो अच्छी कामना करें उसमें भी सफलता न मिले, कामना फलवती न बने, तो फिर दुखी होने की अपेक्षा नहीं है। यह देख लो कहीं पुरुषार्थ में मैंने कमी रखी है तो और दोबारा फिर पुरुषार्थ कर ले। एक बार पुरुषार्थ किया सफलता नहीं मिली, दूसरी बार पुरुषार्थ से सफलता की कुछ आशा है तो दोबारा पुरुषार्थ करें। अब यह देखना चाहिए कि पुरुषार्थ और निष्पत्ति दोनों में तालमेल कितना है, पुरुषार्थ में कितनी शक्ति लगेगी, फिर मिलेगा वो कितना मिलेगा, पुरुषार्थ इतना करना पड़े फल मिलेगा थोड़ा सा, तो ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए। निष्पत्ति मूलक, निष्पत्ति जनक, अच्छी निष्पत्ति लगे, आउट इनपुट और आउटपुट दोनों में तालमेल कितना है, इन्वेस्टमेंट तो इतना करो और मिलेगा थोड़ा सा ही, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों चाहिए। लाभ ज्यादा मिलता हो या बराबर का मिलता हो तो आदमी पुरुषार्थ करे भी इतना करूंगा लाभ ज्यादा मिलेगा, वह पुरुषार्थ करना तो अच्छा है, पुरुषार्थ इतना करो लाभ थोड़ा सा ही मिलेगा, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए यह कर्म और यानी पुरुषार्थ और फल, प्रयत्न और निष्पत्ति, इन दोनों में भी हमें यह विवेचन करना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट जो करूँगा फिर परिणाम कितना आ सकेगा वो देखने की बात है। आप गृहस्थों की भाषा में सोचें कि लगाना पड़ेगा करोड़ तो मिलेगा कितना, मिलेगा 70 लाख जितना ही, तो करोड़ फिर क्यों लगाएंगे, 30 लाख का नुकसान क्यों उठाएंगे। तो इनपुट आउटपुट पुरुषार्थ कितना करना पड़ेगा उसकी तुलना में लाभ प्रॉफिट निष्पत्ति कितनी आएगी, यह आदमी सोच करके काम करे तो एक समझदारी बुद्धिमत्ता की बात है। और पुरुषार्थ में ज़्यादा लगाना पड़े निष्पत्ति थोड़ी, ऐसा पुरुषार्थ इतना काम का नहीं होता है। तो आयारों में कहा गया है बेरम बढ़ेति अपनो, जो कामार्थ आदमी होता है कामनाओं से ग्रस्त होता है वह अपना बैर बढ़ा लेता है, अपना दुख बढ़ा लेता है, पाप कर्म बढ़ा ले बंधन कर लेता है, और आक्रोश का भाव भी आ सकता है, कामना के साथ जुड़ा हुआ है आक्रोश भी, कि कामना की पूर्ति हो जाएगी तो और कामना बढ़ सकती है, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो मन में गुस्सा आक्रोश के मुझे नहीं मिला मुझे नहीं दिया यूं गुस्सा आ सकता है। इसलिए कामनाओं का अल्पीकरण है, कामना करें वो अच्छी कामना अच्छी इच्छा करें कि भी मैं स्वाध्याय करूं, मैं ज्ञान का विकास करूं, मैं आत्मा का कल्याण करूं, मैं तपस्या करूं वो करूं, कामना करें अच्छी आध्यात्मिक कामना करें। तपस्या करने वाले कई सोचते हैं भी मेरे से तपस्या होती नहीं मैं भी तपस्या में आगे बढ़ूं, मेरे से तेला भी नहीं होता मैं भी कभी अथाई करूं आगे बढ़ूं, तो तपस्या की कामना यूं एक आध्यात्मिक क्षेत्र की कामना हो जाती है कि मैं प्रतिक्रमण को कंठस्थ कर लूं, मैं भक्तामर याद करूं, मैं 25 बोल याद करूं, मैं 24 ही कंठस्थ कर लूं, यह आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई कामना हो सकती है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक इच्छाएं आध्यात्मिक कामनाएं करें। ठीक है आप लोग गृहस्थ हैं तो आपको तो भौतिक भी कुछ करना होता है, आपको तो पैसे की भी कामना भी कि परिवार को चाहिएगा पैसा,
तो हमारे परिवार में कमाई का अच्छा कोई क्रम बन जाए। कमाई कैसे अच्छी हो, पिता सोचे भी मेरे बेटे बेटियों की शादी अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए तो मेरी एक जिम्मेवारी पूरी हो जाए। तो गृहस्थों को भौतिक संदर्भों में भी सोचना पड़ सकता है, ध्यान देना पड़ सकता है, पर उसमें भी जितना आवश्यक है उतना ठीक है, अत्यंत ज़्यादा अति रूप में कामना जो अवांछनीय है अति रूप में न करें। और कामना कर भी ले तो ठीक है, पुरुषार्थ कर लिया, अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपना संतोष रखो। तो कामना के पीछे भी कारण क्या है, यह कामना क्यों करना चाहते हो कि साधु कामना करे भी मैं स्वाध्याय करूं तपस्या करूं कभी, इसलिए कि मेरी आत्मा शुद्ध बने। तो कामना का भी साध्य क्या है, कामना का प्रयोजन क्या है। वो प्रयोजन जितना शुद्ध यानी साध्य जितना शुद्ध होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात। साध्य भी शुद्ध है उसका साधन भी शुद्ध है। अब शुद्ध साधन कौन सा होता है कि जिस साधन में अहिंसा ज़्यादा से ज़्यादा हो, साथ में संयम हो। अहिंसा और संयम ज़्यादा से ज़्यादा जिस साधन में है वो साधन वैसे अपनी सीमा में शुद्ध साधन हो सकता है। साध्य कई बार भौतिक भी हो सकता है और साध्य आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक साध्य है कि वहाँ भी साधन में कितनी मेरी शुद्धता है, साधन में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा है संयम है। और भौतिक साध्य है तो उसमें भी कितनी अहिंसा रखी जा सके। स्वातंत्र्य प्राप्त करना है तो उसमें भी कितना अहिंसा को रखा जा सके। तो साधन शुद्धि में अहिंसा और संयम इन दोनों पर ध्यान दिया जाए तो यह साधन शुद्धि की दिशा में गति की जा सकती है या साधन शुद्धि को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो साध्य पहली बात है, साध्य तुम्हारा क्या है। एक गृहस्थ है वो घर से चलता है, किस लिए कि भी संतों के दर्शन करने हैं, व्याख्यान सुनना है, इसलिए मुझे घर से चलकर मान लो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में जाना है। तो साध्य तो बिल्कुल शुद्ध है कि संतों के दर्शन करने हैं और फिर प्रवचन सुनना है। तो साध्य तो बिल्कुल शुद्ध है, एकदम 100% आध्यात्मिक साध्य है। अब वह पैदल चलता है तो चलने में अगर जीव हिंसा करता है, अब वो इरिया समिति से चले कि कहीं मेरे पैर से भी हिंसा न हो जाए, एकदम देख देख कर इरिया समिति पूर्वक संतों के ठिकाने में आया है, तो साध्य तो शुद्ध था ही था, उसका साधन भी शुद्ध है। क्योंकि कोई जीव हिंसा नहीं संयम से चला है तो उसका साधन भी शुद्ध है। अब वो संतों के ठिकाने में आ गया, व्याख्यान सुन लिया, अब सोचा रे आज तो बिजनेस की दृष्टि से थोड़ा बॉम्बे चला जाऊँ, वहाँ बिजनेस संबंधी काम करना है। अब वो संतों के ठिकाने से बिजनेस, अब उसका साध्य हो गया बिजनेस का काम करना, अब वो साध्य उसका अध्यात्म की दृष्टि से शुद्ध साध्य नहीं रहा। तो अब वह वाहन में जा रहा है और हिंसा भी मान लो कर रहा है, तो वहाँ अध्यात्म के संदर्भ में साधन भी वो आध्यात्मिक नहीं है, साधन भी वैसे कोई आध्यात्मिक ऐसे नहीं है। तो ये साध्य क्या है, फिर उसके साध्य की प्राप्ति का साधन क्या है। तो यह एक सैद्धांतिक बात मैंने रखी कि श्रावक का साध्य संतों के दर्शन करना है और वह संतों के ठिकाने में इरिया समिति पूर्वक वहाँ तक पहुँचता है, एकदम विधिवत जयना से वंदना करता है, तो उसका साध्य भी शुद्ध
साधन की क्रिया भी शुद्ध, सारा उसका मानो निर्जरा का वो एक तरह से कार्य हो रहा है। पर इसके बीच में उसके मन में कोई दूसरे भाव आ गए, चलते चलते थोड़ा भाव आ गया, अरे आज वापिस घर जा कर के तो आज वो चीज़ खाने के लिए बनवानी है, ऐसी कुछ वो मन का योग थोड़ा उसका अशुभ भी बीच में हो सकता है। तो आयारों में जो कहा गया है ये बैरम बढ़ेति अपनो, तो कामार्थ व्यक्ति अपना बैर बढ़ाता है, तो हम कामनाओं को, भौतिक कामनाओं को, यानी आदमी भौतिक लालसा कामना को कम करने का, क्षीण करने का प्रयास करे, यह अभिकांक्ष है।